जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गार्लिक बटर चिकन की रेसिपी। एज अ स्टार्टर और एज अ साइड डिश आप इस डिश को बना सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बटर गार्लिक चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन मैरिनेट करना है। तो हमने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और चिकन को हमने इस तरह से 1.5 से 2 इंच के क्यूब्स में काट लिया। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब 3/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच हमें इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। और अब हमें इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और अब हमें चिकन को मैरिनेशन के लिए 2 घंटों तक फ्रीज में रख देना है। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं, अगर टाइम की शॉर्टेज हो तो 2 घंटों के लिए रख दें। तो अब हम इस चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो हमने एक पैन में तेल अच्छे से गरम कर लिया है और अब हमें इसमें एक एक करके चिकन के क्यूब्स ऐड कर देने हैं। तो एक बार में जितने आएंगे उतने हमें इसमें ऐड कर देने हैं, क्योंकि हमें चिकन को अंदर तक गलाना है, ये अंदर तक पक जाना चाहिए, इसलिए हमें इसे फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और फ्राई करने के दौरान हम बीच में इस तरह से इसकी साइड्स चेंज कर देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। लो फ्लेम पर 8 मिनट तक फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि बाहर से इसका कलर लाइट ब्राउन होने लगा है और हमारा जो चिकन है वो अंदर तक अच्छे से गल चुका है। तो इसे तेल में से निकाल लेंगे और बाकी के चिकन को इसी तरह फ्राई करेंगे। तो जिस पैन में हमने चिकन को फ्राई किया था वही पैन हमने ले लिया है, या फिर आप दूसरा पैन ले लें। इसमें हमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देना है और बटर को मेल्ट होने देंगे। तो जैसे ही बटर मेल्ट होने लगेगा हमें इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर देना है, क्योंकि ये बटर गार्लिक चिकन है तो इसमें लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा ही रहेगी। और अब हमने यहाँ पर हरी प्याज ली है और हरी प्याज का वाइट पोर्शन हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास हरी प्याज ना हो तो आप एक छोटी साइज़ की प्याज को काट कर भी ऐड कर सकते हैं। और 2 हरी मिर्चों को हमने इस तरह बारीक काट लिया है। तो यहाँ पर बटर को पहले अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, फिर हमने इसमें ऐड कर देना है बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज। और अब हमें इन सारी चीज़ों को सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप पहले लहसुन ऐड करके उसे 10 से 15 सेकेंड तक फ्राई कर लें, उसके बाद भी आप इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं या फिर इस तरह साथ में ऐड कर दें। 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि प्याज थोड़ी सॉफ्ट होने लगी है और इस स्टेज पर हमें इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ली है 3/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि 1/4 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स ली है। और इसी के साथ हमें इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका ऐड कर देना है। इन दोनों चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी स्टेज पर हमें इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है, लेकिन कॉर्नफ्लोर को हमें डायरेक्ट ऐड नहीं करना। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को हमने 1/2 कप पानी में अच्छे से घोल लिया है। और अच्छे से घोल लेने के बाद हमें इसमें एक हाथ से इसे ऐड करना है और दूसरे हाथ से हम इसे चलाते रहेंगे। और इसी तरह हम इसे 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि कॉर्नफ्लोर पक ना जाए और ग्रेवी में एक गाढ़ापन ना आ जाए। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। 1.5 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कॉर्नफ्लोर भी अच्छे से कुक हो गया है और इसमें एक गाढ़ापन आ चुका है। तो इस स्टेज पर हमने जो चिकन फ्राई करके रखा हुआ है वो हमें इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि हमारा चिकन पहले से गला हुआ है, पहले से हमने इसे फ्राई करके रखा है। तो इस स्टेज पर हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसी तरह स्टर करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन और बटर का फ्लेवर इसमें अच्छे से पहुँच जाए। तो बस इसी तरह स्टर करते हुए हमने इसे थोड़ी देर के लिए और पका लिया है। और इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने 1 चुटकी नमक ऐड कर दिया और हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास हरी प्याज ना हो तो आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं,
बस इसे मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़े का हमारा गार्लिक बटर चिकन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।